हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और टॉपिक। ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, एक दो टॉपिक रहते हैं तो वो हम दो चार वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, ज़्यादा नहीं रहता, आपके दो के तीन टॉपिक हैं और वो आपकी 2 to 4 वीडियोस में कवर हो जाएंगे। ठीक, मतलब आपका सिलेबस ऑलमोस्ट हो गया है। अब जो मेन रहेगा अब रहेगा आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब हम कुछ जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, आफ्टर दिस हम कुछ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक वीडियो बना के उसमें मैं आपको समझाऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे एक वीडियो बनाएंगे प्रैक्टिस की, जिसमें कोहलबर्ग, वाइगोत्स्के और जीन प्याजे की क्वेश्चन ले लेंगे, मिक्स क्वेश्चंस ले लेंगे। ठीक, वो हम एक वीडियो में बनाएंगे तो वो आपकी उससे प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि उससे आपको हम वो भी टॉपिक वाइज करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए हम वो वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, बस आपकी ये दो तीन वीडियोस, दो तीन टॉपिक्स और रहते हैं CDP के, देन हम थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन के ऊपर वीडियोस बनाएंगे, टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको मर्ज करके हम वीडियोस बनाएंगे। ठीक, वो हमारा नेक्स्ट काम रहेगा। फिलहाल जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था कि थ्योरीज हमने करी है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कॉमन है, जो हर एक सब्जेक्ट की पैडागॉजी में पूछे जाएंगे। टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में हर एक सेक्शन में पूछा जाता है, चाहे वो इंग्लिश की पैडागॉजी है, चाहे वो साइंस की, मैथ्स की, NCF के बारे में पूछा जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूछा जाता है, जेंडर के बारे में पूछा जाता है। ये कुछ कॉमन टॉपिक है और जो आज का टॉपिक रहेगा ये भी ऐसा ही टॉपिक है, और हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे जिससे आपको ये टॉपिक की समझ और अच्छे से आएगी। ठीक, तो आज का टॉपिक है हमारा असेसमेंट। नाम से ही आपको पता लग रहा है इस टॉपिक का मतलब क्या है। असेसमेंट मतलब असेस करना बच्चे की, जो इसमें देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, कि एग्जाम्स, एग्जामिनेशन या एक्टिविटीज, ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज हो गई, एग्जामिनेशन हो गया, पैटर्न हो गया, असेसमेंट कैसी होती है, असेसमेंट तीन टाइप में होती है, मेन जिसके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, इन तीनों में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और ये आपको समझना है आज के टॉपिक की, आज की वीडियो रहेगी जो मेन फोकस करेगी असेसमेंट फॉर एज एंड ऑफ लर्निंग के ऊपर। ठीक है, तो क्या टॉपिक है आज का हमारा, असेसमेंट। देखो तीन चीजें आती है, सबसे पहले मैं समझाती हूँ आपको, मेजरमेंट, असेसमेंट। हमें पता है मेजरमेंट क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है। मेजरमेंट होता है जब हम किसी चीज को नंबर्स में मेजर करते हैं, ठीक, हमें पता है उसकी क्वांटिटी में मेजर करते हैं। ठीक, देखो दो तीन चीजें की बात करती हूँ मैं, तीन चीजें, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, तीन चीजें। इवैल्यूएशन कवर करती है असेसमेंट को भी और मेजरमेंट को भी। ठीक, मेजरमेंट तो सिर्फ एक चीज होगी जो क्वांटिटेटिव यूनिट आ गई, ठीक, मतलब वो सिर्फ नंबर्स में कह लो, ठीक है, वो एक क्वांटिटी में चेक करती है। मान लो कि वो हम किसी की हाइट या वेट, हम ये चीज हम मेजर कर सकते हैं, बट जो असेसमेंट होती है, ठीक है, अब हम एक क्लासरूम को लेके चलते हैं, अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे हैं एक सब्जेक्ट में, मान लो उसके इतने पर्टिकुलर मार्क्स आ रहे हैं या उतने उसके इतने परसेंटेज बन रहे हैं, वो मेजर कर सकते हैं हम, ठीक, हम मेजर कर सकते हैं, हम उसको मेजर करते हैं। बट असेसमेंट में सिर्फ एक हम ये नहीं देखते कि ग्रेडिंग आनी है, वो कितना स्कोर कर रहा है, उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है हम असेसमेंट में, सॉरी हम, ठीक है, असेसमेंट में, यस, वहाँ तक लिमिट नहीं है। हमें बहुत कुछ असेसमेंट में बहुत कुछ आता है, बच्चे जो करिकुलर एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे जो एक्स्ट्रा काम, बच्चे का बिहेवियर, बच्चे का क्लासरूम में जितना भी उसका मतलब जो एक्स्ट्रा सब कुछ आ जाएगा वो असेसमेंट में आएगा। हम बच्चे को असेस कर रहे हैं, बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है, बच्चे की डेवलपमेंट कैसी हो रही है, तो वो हम असेस करेंगे। ठीक, सब कुछ रिलेटेड है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम असेस, डेवलपमेंट को हम असेस करेंगे, क्योंकि हम बच्चे के ऊपर ध्यान देंगे ना, बच्चा कैसे कैसे उसकी डेवलपमेंट हो रही है, हम सिर्फ उसके ग्रेड पर उसको एक असेस नहीं कर सकते, वो तो हम उसको एक पर्टिकुलर पोर्शन हो गया ना कि उसको मेजर कर रहे हैं, उसके मार्क्स के ऊपर हम उसको मेजर करते हैं। बट अगर बच्चे को असेस करना है तो उसके लिए बहुत चीज़ें बनी हुई हैं, बच्चे की हर एक ओवरऑल उसको देखते हुए हम उसको असेस करते हैं। ठीक, तो ये होता है असेसमेंट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन में दोनों आ जाएगा। इवैल्यूएशन में किसी को इवैल्यूएट करना, ठीक, उस चीज़ को हमने इवैल्यूएट करना, उसका निकालना, ठीक है, रिजल्ट निकालना उस चीज़ का। ठीक, तो इवैल्यूएशन बड़ी टर्म है, ठीक, वो उसमें मेजरमेंट असेसमेंट सब आ जाएगा। ठीक, तो ये चीजें हैं कि आपने समझना है कि असेसमेंट में, जैसे स्कूल में अब ये नहीं रहा कि मार्क्स के ऊपर ही बच्चे को हम जज कर रहे हैं,
जितने इसके मार्क्स आएंगे, मतलब वो बच्चा इंटेलिजेंट है, बहुत चीजें आती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, बच्चे कितने चीजों में पार्ट लेते हैं, आप भी देखते हो कितना ज्यादा बच्चे हर एक चीज में अपने आप को वो बच्चे मतलब अपने आप में एक उनको उनकी हम ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हैं, सिर्फ उसके मार्क्स को लेके नहीं हम अब वरी रहते हैं कि उसके मार्क्स के मार्क्स पे ही ध्यान रखना है, हमें बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट देखनी पड़ती है। ठीक है, बच्चे को असेस करना है एज अ पर्सन, बच्चे को असेस करना है कि बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होगी, वो हर एक चाहे उसकी मेंटल, सोशल, इमोशनल, फिजिकल हर एक चीज को लेके, उसके अकेडमिक्स को लेके, सब कुछ मिला के ठीक है वो बच्चे को हम उसकी डेवलपमेंट उसको असेस करते हैं, ये टीचर करती है। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का बहुत ही इफेक्टिव, एक बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस है, बहुत ही इफेक्टिव एक तरीका है कि असेस करते हैं बच्चों को। ठीक, तो असेसमेंट में आज जो हम करने वाले हैं वो तीन है। एक तो हम करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर मीन्स असेसमेंट के लिए लर्निंग कर रहे हैं, ठीक, असेसमेंट के लिए लर्निंग, असेसमेंट। ये मैं आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करूंगी क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि फॉर मैम सेम तो है सब कुछ, इसमें क्या डिफरेंस है, तो इसमें ज्यादा हमने कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, ज्यादा इसमें कुछ लंबा चौड़ा भी नहीं खींच खींच के लेके जाऊंगी इस वीडियो को कि आप बाद में कंफ्यूज हो जाओ, इतना कुछ पढ़ा दिया और आपको समझ ही ना आए, एंड टाइम पे उतना ही पढ़ेंगे जितना समझ आ जाएगा, जितने जिसमें कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को। ठीक, तो हमने उतनी ही चीजें समझनी है जिससे आपको एक पॉइंट में ही समझ आ जाए। ठीक है, तो क्या है एज, देखो सब बाकी तो सेम है, यही पे फर्क पड़ रहा है ना। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, और दो चीजें और निकल के आती है, फॉर्मेटिव सबमेटिव। आपने अगर आप कहीं टीचर रह चुके हैं या आपने ये चीज ऑब्वियसली पढ़ी है, ठीक, बीएड में तो पढ़ी है, बट अगर ये आपने प्रैक्टिकली देखी है तो फॉर्मेटिव सबमेटिव एग्जाम्स होते हैं बच्चों के। ठीक है, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट FA, सबमेटिव असेसमेंट, तो पहले हम ये समझते फिर आपको ये समझाती हूँ मैं ये क्या है। फॉर्मेटिव FA SA, फॉर्मेटिव मतलब होता है कि देखो दो चीजें ना, फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव का मतलब होता है जब हम बच्चे की जो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है ना, जो टीचर टीच करवा रहा है या जो एक लर्नर एक बच्चा सीख रहा है, उसको हम टाइम टू टाइम उसको क्या करते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं, उसको जज करते हैं, उसमें फीडबैक्स लेके आते हैं, उसको हम देखते हुए चलते हैं। सीधी सी बात देखो, बहुत इजी इजी तरीके से समझाती हूँ। फॉर्मेटिव वो होती है जब हम टाइमली टाइमली क्या करते हैं, टाइम टू टाइम एक प्रोसेस चली हुई है, हम ये नहीं कि एक एंड जाके एंड में जाके किसी चीज को फिर उसका रिजल्ट देखते हैं। फॉर्मेटिव में हम धीरे 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 कमियां जो निकलेंगी, अगर बच्चे की एक मान लो एक पूरा सेशन है, ठीक है, एक टर्म है बच्चे का, पूरा एक सेशन है, एक टर्म है, ठीक, अब उस सेशन में क्या होगा, धीरे छोटे 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 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया होगा, बच्चों को किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में या उसको उसका जो फॉर्मेटिव असेसमेंट लेंगे उसकी, हम बच्चे को चेक करेंगे हर एक चीज में, एक चीज में नहीं, सिर्फ सिर्फ मैंने पहले बताया असेसमेंट सिर्फ एक चीज में नहीं, उसके मार्क्स के ऊपर नहीं, ठीक है, हर एक चीज में उस बच्चे को हमने असेस करना है। FA का मतलब ये होता है कि टाइमली हम एक टीचर क्या कर रहे हैं, टीचर चेक कर रहा है उसका बच्चा, उसके क्लास में जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो कैसे उसकी प्रोग्रेस हो रही है टाइमली, बट ये क्या हो रहा है, ये टाइमली हो रहा है, ठीक है, ये एक प्रोसेस धीरे धीरे चल रही है, ये एंड में होता है। सबमिटिव याद रखना बिल्कुल एंड में, मान लो जैसे हमारे एंड टर्म्स होते थे, ठीक है, ये आप इससे भी याद रख सकते हो, फॉर्मेटिव एग्जाम्स मतलब जैसे हमारे मिड टर्म्स होते थे, ठीक, बस मिड टर्म में ये था कि हमें थोड़ा मार्क्स के ऊपर ज्यादा फोकस था, ट्रेडिशनली हमें मार्क्स के ऊपर, जैसे हम अपने टाइम की बात करें तो उस टाइम मिड टर्म्स थे, फिर एंड टर्म आता था, बट वहां पे मार्क्स पे ज्यादा फोकस था, बट अब कुछ चेंजेस आए हैं, आपको पता है कि आपको और पता होना चाहिए कि जैसे धीरे धीरे अब FA SA असेसमेंट हो रही है, ये फॉर्मेटिव सबमेटिव असेसमेंट आ रही है स्कूल्स में। FA में क्या होता है, हम बच्चे को असेस करते हैं, टाइमली असेस करते हैं, मान लो 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद उसके एग्जाम्स हो रहे हैं, तो उसको चेक कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, भाई उसकी प्रोग्रेस अच्छे से हो रही है, कौन सी चीज में कमी है, किस सब्जेक्ट में कमी है, एक्स्ट्रा किसी और चीज में कमी आ रही है, उसकी हर ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे जा रही है, वो टीचर टाइमली टाइम टू टाइम असेस करता रहता है किसमें, FA में। बट FA मान लो एंड ऑफ द टर्म, जब
खत्म हो जाता है, मतलब बिल्कुल टर्म उसका सेशन, देन हम सबमेटिव करते हैं, लास्ट में सबमेटिव असेसमेंट होती है। ठीक, तो ये दो चीजें क्या है, ये एफए है, ये एसए है, सबमेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। आई होप आपको ये दो चीजें तो समझ आ चुकी हैं कि जो फॉर्मेटिव होती है ये एक प्रोसेस में, एक मतलब एक प्रोसेस में हम धीरे 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 टाइम टाइम करते रहते हैं, बट सबमेटिव हम एंड में करते हैं, ठीक है, एट द एंड। सबमिटिव क्या करते हैं, एट द एंड। ठीक, और एक और चीज आपने समझनी है, हम अब समझते हैं इसको, ये आपको आई होप समझ आ गया है। अब हम देखते हैं सबमिटिव फॉर असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ, सॉरी असेसमेंट फॉर ऑफ एस। पहले हम देखते हैं फॉर में, देखो लर्निंग सीखने के लिए असेसमेंट करनी है हमें, लर्निंग सीखने के लिए असेसमेंट फॉर। ठीक, तो ये जो हमारा एफ ए आएगा ये मतलब कि मोर लाइकली टू बी इस फॉर्म में है, ये फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है वो हमारी आप मान लो इसमें है। ठीक, जो फॉर लर्निंग हो रही है वो फॉर्मेटिव की फॉर्म में हो रही है, और फॉर का मतलब हो रहा है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है कि जब हम, जैसे मैंने बताया आपको एक पूरे सेशन चल रहा है बच्चे का, एक टर्म चल रही है बच्चे की, तो वो एक टाइम टू टाइम हम उस बच्चे को मॉनिटर कर रहे हैं, उसकी प्रोग्रेस को देख पा रहे हैं, तो वो ड्यूरिंग हो रही है सेशन के, मतलब किसी चीज के ड्यूरिंग। मैं नहीं मान रही कि मैं तो ये आपको एजुकेशन के रिगार्डिंग बता रही हूँ कि ये चीज है, बट हर एक चीज में कह रही हूँ कि असेसमेंट जब फॉर होता है, फॉर का मतलब होता है कि वो जो लर्निंग हो रही है, वो जो लर्निंग हो रही है वो मतलब क्या हो रही है, वो धीरे 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 प्रोसेस टू प्रोसेस हम क्या करते हैं, टाइमली उसको क्या करते हैं, हम उसको टाइम टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहते हैं बच्चे को, पर हम उसको ध्यान रखते हैं कि भाई उसकी क्या क्या जरूरतें हैं, उसकी क्या क्या नीड है। ठीक है, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में आप याद रखना है इट इज मोर लाइकली टू एफ ए। ठीक है, मोर लाइकली टू एफ ए फॉर्मेटिव की जैसे होती है ये। ठीक, एंड इट इज अ ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब कि फॉर्मेटिव फॉर मतलब ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये एंड में नहीं होगी, ये एंड में नहीं होगी, ये ड्यूरिंग होगी, क्योंकि मॉनिटर करती है ना, प्रोग्रेस देखती है, टाइम टू टाइम देखती है, धीरे 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 जैसे जैसे कमियां पता चलती है, जो नीड्स है बच्चे की वो पूरे करते हो जाते हैं टीचर। ठीक है, जहां पे उसको असिस्टेंस की जरूरत है वहां पे वो पूरे करते हैं। ठीक, तो असेसमेंट ऑफ इट हैपन इन द मिडल ऑफ लर्निंग ऑफन मोर देन वन। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा बार, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि जो लर्निंग हो रही है, जैसे मान लो एफ ए उन्होंने शॉर्ट मतलब कि असेसमेंट के लिए एक बच्चे का सेशन है एक टर्म में, ठीक है, 3 to 4 months बाद उन्होंने एफ ए रख दिया। ठीक है, उसमें बच्चे के अकेडमिक्स भी आ रही है और बच्चे के कुछ एक्स्ट्रा डेवलपमेंट की भी, सब कुछ उन्होंने कवर किया हुआ है। ठीक, तो हम धीरे धीरे टीचर क्या कर रहा है, वो टीचर उन चीजों को देखते हुए क्या कर रहा है, असेसमेंट कर रहा है इसमें फॉर में। ठीक, तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें चेकलिस्ट आएंगे, इसमें पोर्टफोलियोज आएंगे। चेकलिस्ट आप समझते हो, जब चेकलिस्ट होता है, ठीक है, टिक वगैरह करना। ठीक, पोर्टफोलियोज मतलब एक बच्चे का पूरा पोर्टफोलियो बनाना अच्छे से, मतलब उसके बारे में सब कुछ मेंशन किया होता है बच्चे के बारे में। वर्कशीट्स टू ट्रेस द प्रोग्रेशन ऑफ स्टूडेंट, मतलब इसमें हमने एक एक बच्चे के, मतलब जो बच्चा, बच्चे की जो प्रोग्रेस हो रही है या प्रोग्रेस नहीं भी हो रही है, जो ड्यूरिंग हो रही है मतलब जो चल रही है, ठीक है, सेशन के दौरान जो चीज हो रही है वो आएगी हमारी असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसमें क्वेश्चंस करेंगे आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इट इज मोर लाइकली टू एसे। अब ये एसे की तरह होता है, मतलब ये कह लो आप एंड में हो रहा है। ठीक, ये एसे की तरह है सबमिटिव, ये दो चीजें हैं फॉर्मेटिव सबमेटिव, यही समझ गए ना आप, तो इसे भी समझ जाओगे। फॉर्मेटिव मीन्स जो ड्यूरिंग चल रही है, जो प्रोसेस धीरे धीरे चल रही है, जो हम टाइमली बच्चे की असेसमेंट कर रहे हैं, और ये होती है सबमेटिव एट द एंड। मतलब सबमेटिव जो होता है वो ज्यादातर ग्रेडिंग मार्क्स बच्चे के, जो बच्चे की मतलब मार्किंग पे, ग्रेडिंग पे, स्कोर्स पे ध्यान देती है। ठीक, कौन सी, सबमेटिव, क्योंकि एट द एंड हमने वो चीज उसको देखनी है, ये सबमेटिव भी होती है, ये होती है। देखो दोनों जरूरी है, दोनों ही हो रही है, अब ये तो नहीं है कि अकेले के लिए ये सिर्फ एक ही चीज हो रही है, ये ज्यादातर बट स्कोर पे, मार्क्स पे, उसके ग्रेड पे ध्यान देती है। कौन सी, सबमिटिव, एफ पे जो ध्यान देती है वो बच्चे की मतलब धीरे धीरे जो प्रोग्रेस हो रही है। ठीक, जो धीरे धीरे हर एक चीज की, हर एक चीज बच्चे की, मान लो एफ ए में क्या क्या आएगा, उस बच्चे की रीडिंग आएगी, वो बच्चा रीडिंग आएगी, उसके राइटिंग आएगी,
उसकी धीरे छोटी छोटी चीजें, उसकी नोटबुक वगैरह, मतलब हर एक चीज, छोटी छोटी चीजें सब उसमें कवर आएंगी ऐसे में। वो हर एक चीज टीचर रिकॉर्ड रखता है, ठीक है, रिकॉर्ड मैंने बता दिया आपको किसके थ्रू रखता है। तो एफए में क्या होता है, टीचर रिकॉर्ड रखता है कि भाई बच्चे की हर एक तरीके से मॉनिटर करना है, उसकी प्रोग्रेस कैसे हो रही है, ठीक। तो ये होता है हमारा एफए, और एफए किससे रिलेटेड है, सॉरी एफए कैसे होगा, किसमें आएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग जो ड्यूरिंग हो रही है। आई होप आपको इतना समझ आ चुका है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें ये तीनों में कंफ्यूजन हो सकती है। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो आपको आराम से कंफ्यूज कर सकती हैं। तो आपने याद रखना, फॉर फॉर्मेटिव, सिंपल सी बात, फॉर फॉर्मेटिव। आई होप ये आपके लिए ट्रिक काम कर सकती है। असेसमेंट अगर आपको, देखो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी, मैं आपको ये भी बता रही हूँ, फॉर लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा रोल बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में किसका है, आप खुद समझो ना इस चीज को। सबसे ज्यादा बच्चे की प्रोग्रेस इसी में तो पता चलेगी, क्योंकि हम अब मान लो कोई चीज, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो हम खाना बना रहे हैं, मान लो खाना बना रहे, छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मानो कोई खाना बना रहा है, कोई अच्छे से खाना बना रहा है, तो वो अगर वो बंदा उसने खाना बनाना शुरू किया और एंड में जाके देखेगा, रिजल्ट देख रहा है, सिर्फ एंड में वो रिजल्ट देख रहा है, उसके ऊपर मार्क कर रहा है, मान लो उसने अपने आप को मार्क देने है कि मेरी कुकिंग कैसी है, वो एंड में जाके रिजल्ट देख रहा है, वो अपने आप को मार्क दे रहा है कि भाई मेरी जो कुकिंग है वो 10 में से 7 है, 6 है 5 है, जितनी भी है, पर वो एंड में होगा, ठीक। वो बीच में उसने कुछ भी नहीं किया, वो पूरी प्रोसेस में कुछ नहीं किया, ठीक, वो एक साइड हो गई, समझ रहे हो। अब ये था सबमेटिव, सबमेटिव एट द एंड, ठीक। अब ये मैं फॉर्मेटिव की बात करती हूँ। अब फॉर्मेटिव में क्या हुआ, उस इंसान ने जो कुक कर रहा है वो धीरे धीरे देख रहा है, उसमें सॉल्ट चेक कर रहा है कि भाई नमक कितना है, ठीक है, फिर उसने चेक किया उसमें कुछ और चीज की कमी है, मसालों की कमी है, ठीक, फिर वो उसने चेक किया, अगर कम हुआ तो उसने डाले। तो वो चीज समझो ना कि फॉर्मेटिव में क्या होता है, हम क्या करते हैं, धीरे धीरे जो चीज में कमी लगती है, अगर बच्चे की प्रोग्रेस में कमी हो रही है, हम उसको कुछ उसको एडिशन करवाते हैं। अगर वो अच्छा चल रहा है, अगर वो चीज, अगर मान लो वो खाने की बात कर रही है, वो खाना अच्छा चल रहा है, तो हम उस चीज को मॉनिटर भी तो कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं ना उसको, तो वो चीज है, ये चीज है फॉर्मेटिव। हम मतलब टाइमली देखते रहते हैं, और वो समेटिव एट द एंड है, ठीक। और फॉर के लिए याद रखना, असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर इज फॉर्मेटिव, ठीक। आई होप इतना आपको समझ आ जाएगा, और ये ट्रिक बहुत इजी है समझने के लिए। अब देखो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये मैंने बताया आपको क्या है, सबमेटिव, जैसे सबमेटिव है वैसे मान के चलो। ऑफ लर्निंग की क्या करनी है, हमने असेसमेंट करनी है। ऑफ करनी, ऑफ लर्निंग में सबमेटिव मतलब ये एट द एंड होगी। अगर इसका पॉइंट देखिए, इट इज एंड, एट द एंड ऑफ समथिंग, ठीक, एट द एंड, या फिर किसी एक पूरा टर्म या सेशन के बाद इसके एंड में हो रही है, ठीक है। जो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही है ना, ये हम एक एंड तक लेके जाएंगे, फिर हम उसको मॉनिटर करेंगे, एट द एंड उसको देखेंगे, ठीक। द स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस इज गिवन ऑन कंपेयरिंग स्टूडेंट्स विद लिटिल डायरेक्शन और एडवाइस फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक, टू असेस। देखो इसमें हमने क्या करना है, वो इसमें देखो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने एंड में जाके देखना है, फिर हम कंपेयर करेंगे, इसमें कंपेयर, इसमें ज्यादा कंपैरिजन हो जाएगी, कंपेयर करेंगे कौन सा बच्चा पुअर है, जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें एंड, देखो खुद सोचो, इसमें दो ही रिजल्ट निकल के आएंगे, या बच्चा पुअर निकल के आएगा, या बच्चा अच्छा निकल, गुड निकल के आएगा, ठीक, ठीक है, या फिर वो बच्चा मार्क्स उसके अच्छे होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि एट द एंड है, ठीक, वो रिजल्ट दो आएंगे। अब वही अगर फॉर्मेटिव की बात करें, तो वो धीरे धीरे मॉनिटर कर रहे हैं, समझ रहे हो, उसकी जो कमियां हैं, उसकी जो कमियां हैं, क्या पता जो बच्चा थोड़ा कम है, जिसको जो पुअर है, वो धीरे धीरे एवरेज में भी कन्वर्ट हो सकता है, सिंपल सी बात। तो वो धीरे धीरे हम उस चीज को कर रहे हैं, किसमें, फॉर्मेटिव में। सबमेटिव एट द एंड होगा तो सिर्फ ये जज कर लेगा कि भाई ये बच्चा पुअर है, ये बच्चा क्या है, गुड है, ठीक। तो ये क्या था हमारा, ये था असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो एट द एंड होगा, ठीक। अब जो लास्ट आएगा वो होगा हमारा असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग क्या होती है, जो सेल्फ असेसमेंट होती है, मतलब कि अपने आप को असेस करना, जब बच्चे क्या करता है, अपने आप को कहीं असेस कर रहा है, या फिर पीयर असेसमेंट कह लो, दोस्त एक दूसरे को असेस कर रहे हैं, फ्रेंड्स कहते हैं ना, जब ग्रुप में पढ़ते हैं, जब या फिर ग्रुप डिस्कशन जीडीज होती हैं, ग्रुप डिस्कशन होती हैं, डिबेट्स होती हैं, मान लो स्टडी भी कर रहे हैं ग्रुप में, एक दूसरे को टास्क भी दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फिर बोलते हैं कि भाई बता मैं कितना अच्छा हूँ, ये बोलते मैं कितना अच्छा हूँ, तो वो पीयर असेसमेंट, जिसमें बच्चे अपने आप को ही असेस कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक। तो इसमें लिखा है, हेयर स्टूडेंट्स आर दे
ओन बेस्ट असेसर्स, अपने ही बेस्ट असेसर्स होते हैं, अपने आप को असेस कर सकते हैं। एंड इट अकर्स व्हेन स्टूडेंट पर्सनली मॉनिटर व्हाट दे आर लर्निंग एंड यूज द फीडबैक फ्रॉम दिस टू मॉनिटर टू मेक एडजस्टमेंट अडेप्टेशन एंड इवन मेजर चेंजेस इन व्हाट दे अंडरस्टैंड। अपने आप को असेस करते हैं, अपने आप को पर्सनली मॉनिटर करते हैं, अपने आप में जो एडजस्टमेंट है, जो कुछ ऐड करना है, ठीक है, वो चीज बच्चा खुद करना होता है, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ असेसमेंट, असेसमेंट एज लर्निंग मींस सेल्फ असेसमेंट, ठीक। ये चीज है, इसको बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, टॉपिक ही ऐसा है। तो बहुत इजी तरीके से बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपको ये चीज समझा दी है। फॉर्मेटिव होती है जो चलती है, मतलब टाइमली, हम जिसमें टीचर क्या करता है, बच्चे को मॉनिटर करता रहता है, बच्चे को असेस करता रहता है, धीरे धीरे टाइम टू टाइम उसको देखता रहता है, भाई उसमें क्या कमी है, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, ठीक है। वो टीचर को पता चल जाता है क्योंकि उसके पोर्टफोलियोज बनाता है, टीचर चेकलिस्ट बनाता है, ठीक है, तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बनाता है, मतलब इन चीज़ों से कुछ टूल्स, कुछ टेक्निक्स, टीचिंग से, टीचिंग के कुछ टूल्स होते हैं, कुछ मेथड्स, कुछ टेक्निक्स होती हैं, इनके थ्रू वो टीचर उसको असेस करता है। और ये सबसे ज़्यादा जो मैं आपको बता दूँ ना, इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्योंकि ये सब उसी में आएगा। ये जो रिकॉर्ड्स बनेंगे, ये जो पोर्टफोलियोज बनेंगे, ठीक है, ये सब आएगा हमारा फॉर लर्निंग, जो फॉर्मेटिव है, क्योंकि उसमें धीरे धीरे हम वो काम कर रहे हैं, टीचर प्रोग्रेस कर रहा है, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस धीरे धीरे हो रही है, ठीक है, एक टाइम टू टाइम हो रही है, ठीक। बट ऑफ लर्निंग एट द एंड है, तो वो चीजें वो टीचर नहीं कर पाएगा। तो आप समझ सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक। आई होप आपको ये चीज समझ आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक दो क्वेश्चंस लगाएंगे, क्वेश्चन से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक। अब ह्यूबा एंड फ्रीड कहते हैं कि असेसमेंट क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिस्कसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल एंड डाइवर्स सोर्सेज इन ऑर्डर टू डेवलप अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स नो अंडरस्टैंड एंड कैन डू विद देयर नॉलेज एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। मतलब कि ये हम गैदर कर रहे हैं हर एक चीज को, नॉलेज को गैदर कर रहे हैं, बच्चे के एक्सपीरियंस को गैदर कर रहे हैं, फिर हम उसको फिर असेस करते हैं, ठीक है। मतलब कि हमें पता लगता है कि बच्चा कितना जानता है, बच्चे को कितना पता है, तो हम बच्चे को क्या करते हैं, असेसमेंट में असेस करते हैं। मेजरमेंट जो होती है वो सिर्फ उसके मार्क्स तक सीमित रहती है, उसको कितने मार्क्स मिलते हैं। अब आप इसमें मत कन्फ्यूजन है कि सबमिटिव ये वो, मतलब कि ये भी मेजरमेंट है कि नहीं, सबमिटिव असेसमेंट ये, इसमें हम इसमें बच्चे को हम चेक करते हैं उसको एंड ऑफ द टर्म, बट ये एक असेसमेंट का पार्ट है, ठीक। ये क्या है, एक असेसमेंट का पार्ट है। तो सबमिटिव असेसमेंट क्या होती है, ये याद रखनी है, एट द एंड ऑफ द टर्म, ठीक। और जो फॉर्मेटिव होती है, बहुत जरूरी है, वो क्या होती है, ड्यूरिंग, ठीक, उसको कहते हैं ड्यूरिंग, ठीक है, और ऑफ इज एंड में। चलो अब आपने इसमें देखने हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चन से आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि आपको भी पता है जितना प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम एक टॉपिक से लगाते हैं, हमें पता चलता है कि क्वेश्चन, देखो टॉपिक क्या है, ये असेसमेंट, ये इतने बड़े बड़े टॉपिक है ना, असेसमेंट इतना बड़ा टॉपिक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इतना बड़ा टॉपिक है, सबमेटिव असेसमेंट, तो ये इतने बड़े टॉपिक है ना, ये आपको फिर अपने बीएड के टाइम पे जाना पड़ेगा, ठीक। तो इतना वास्ट नहीं पूछते हैं, बहुत टू द पॉइंट पूछेंगे, और वही समझने के लिए कि टू द पॉइंट क्या पूछा है इन्होंने, इन एग्जाम में क्या पूछा होगा, उसके लिए हम क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक। अब देखो इसमें पूछा है क्वेश्चन, देखो इन लर्निंग, एक लर्निंग में, ठीक है, इन लर्निंग असेसमेंट इज असेंशियल फॉर, लर्निंग में असेसमेंट इज असेंशियल, क्यों जरूरी है असेसमेंट, ठीक है, लर्निंग में बच्चे की असेसमेंट क्यों जरूरी है, ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी हैं, आप इसका आंसर देके देखो एक बार, ग्रेड्स एंड मार्क्स, ठीक। लर्निंग में असेसमेंट का क्या काम है, ग्रेड्स मार्क्स के लिए बच्चे की असेसमेंट करनी है, उसके स्क्रीनिंग टेस्ट करना उसको, ठीक, उसकी मोटिवेशन के लिए, ठीक, फोस्टर करना है ऑफ द पर्पस ऑफ सेग्रीगेशन,
एंड रैंकिंग। पहले हम डिस्कार्ड करते हैं जो हमें लग रहा है कि गलत ऑप्शन है। लर्निंग असेसमेंट किसके लिए? सिर्फ मार्क्स के लिए है? नहीं बेटा, मार्क्स नहीं है। लर्निंग में बहुत एक्स्ट्रा कुछ होता है, जैसे लर्निंग हमने समझा फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट देखती है, बच्चे की प्रोग्रेसिव जो डेवलपमेंट कैसी हो रही है, प्रोग्रेस कैसी हो रही है क्लास में, उसको मॉनिटर करती है। जस्ट ग्रेड्स एंड मार्क्स तक लिमिटेड नहीं है। फोस्टर करती है सेग्रीगेशन, रैंकिंग को रैंकिंग करती है। ठीक, ये रैंकिंग देखो, रैंकिंग करना ही नहीं, सिर्फ रैंकिंग एक अलग चीज है। मान लो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चा क्लास में, रैंक उसका जो भी है, ठीक है, तो ये एक अलग पॉइंट है रैंकिंग वाला। बट सेग्रीगेशन बच्चों को अलग करने के लिए असेसमेंट नहीं चाहिए। ठीक, स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहे हैं वो सेम चीज आएगी? नहीं। या फिर मोटिवेशन के लिए, तो एक ही आंसर इसमें अच्छा लग रहा है, वो यही है मोटिवेशन। असेसमेंट से बच्चे की मोटिवेशन हो रही है, क्योंकि बच्चा मोटिवेट होगा जैसे जैसे बच्चे की प्रोग्रेस चलेगी, जैसे जैसे बच्चे को मतलब, हाँ, वो टीचर के लिए, टीचर उसके लिए एक मोटिवेटर का काम करेगा, क्योंकि जो भी उसकी कमियां होंगी या कह लो जो भी उसको इम्प्रूवमेंट करवानी है, फिर वो टीचर धीरे धीरे उसको मोटिवेट करके करेगा। ठीक, तो मोटिवेशन सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें है, तो इसका आंसर होगा मोटिवेशन। ठीक, समझ गए? चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखो अब क्वेश्चन यहां पे लिखा है असेसमेंट, असेसमेंट पहला ऑप्शन शुड एक्टिवली, असेसमेंट शुड एक्टिवली प्रमोट कॉम्पिटेटिव एंड सॉरी कॉम्पिटेटिव स्पिरिट, ये नहीं है, स्पिरिट अमंग चिल्ड्रन। ठीक है, ये करती है असेसमेंट। या फिर इट शुड जनरेट टेंशन एंड स्ट्रेस टू लर्निंग, या ये टेंशन देती है, स्ट्रेस देती है लर्निंग में। इट इज अ वे टू इंप्रूव लर्निंग। ठीक है, आप बेटा ट्रेडिशनल मेथड्स जो पहले थे ना हमारे टाइम पे, कह लो कि मार्क्स पे ज्यादा फोकस रखते थे कि भाई इतने मार्क्स आने चाहिए। आपको पता है कि एक पर्टिकुलर उन्होंने बनाया होता कि इतने मार्क्स वाले बच्चे को हम स्ट्रीम में भेज देंगे, या फिर इस तरह मार्क्स लाना है, वो पासिंग मार्क्स होते हैं, ये सब चीजें होती है, तो वो चीजें अब चेंज हो रही है। ठीक है, अब असेसमेंट बहुत ही एक नई अप्रोच है, बहुत अच्छी अप्रोच है, बच्चे को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करती है, जैसे कि वो क्वेश्चन हमने पढ़ा था। ठीक, बहुत अच्छी चीज है ये असेसमेंट। ठीक है, इट इज अ वे टू इम्प्रूव लर्निंग। ठीक है, इट इज अ गुड स्ट्रैटेजी, एक अच्छी स्ट्रैटेजी है टू लेबल चिल्ड्रन। अब आपने इसका सही आंसर आपने देखना, और जो गलत आंसर है वो ऑप्शंस निकालने हैं। देखो, ये टेंशन तो भाई बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि टेंशन देगी। इट शुड एक्टिवली प्रमोट कॉम्पिटेटिव स्पिरिट, मतलब कि कॉम्पिटिशन बढ़ाएगी बच्चों के अंदर। नहीं, ठीक, असेसमेंट ऐसा नहीं करेगी। कॉम्पिटिशन क्यों करवाएंगे, कॉपरेट करवाएंगे दूसरे के साथ, पीयर टू पीयर ट्यूटरिंग होनी चाहिए। ठीक है, लेबल भी नहीं करना बच्चों को, हमें लेबल नहीं करना, सिर्फ एक ही काम है इसका, हमें इम्प्रूव करनी है लर्निंग। ठीक है, बहुत अच्छा ऑप्शन है कि इम्प्रूव करनी है लर्निंग, जो बच्चे की जो ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या होगा,
टीचर जो बच्चे को सिखा रहा है और बच्चा जो सीख रहा है, ठीक। अब ये असेसमेंट के थ्रू होगा, ठीक। जैसे जैसे असेसमेंट होगी, जितनी अच्छी असेसमेंट होगी उतनी ज्यादा अच्छी लर्निंग होगी, क्योंकि जितना टीचर असेस कर पाएगा बच्चे को कि उसमें जो भी मैंने बताया आपको उसके प्लस पॉइंट, बच्चे के नेगेटिव पॉइंट, वो फिर वो टीचर उस अकॉर्डिंग उस बच्चे को असेस कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज है कि ये इम्प्रूव ही करेगी बच्चे की लर्निंग को, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें। चलो इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं। असेसमेंट इज, हाँ ये क्वेश्चन ऐसे है, इससे आपका तो कंसेप्ट ही क्लियर होगा, ठीक, कि असेसमेंट एक्चुअल में है क्या, ठीक है। असेसमेंट का मतलब यही होता है बच्चे को असेस करो ना, बच्चे टीचर बच्चे को असेस कर रही है, क्योंकि ये अब असेसमेंट सिर्फ एक एंड टर्म तक नहीं रह गया कि भाई एंड टर्म में उसके मार्क्स देख लिए, कितने मार्क्स गेन किए बच्चे ने, वो कितना स्कोर करके बैठा हुआ, नहीं। असेसमेंट तो टाइमली चलती है, ठीक है, पूरे सेशन में वो पूरी एक जो एक टर्म चल रहा है उसमें टाइमली हम बच्चों को असेस करते हैं। कुछ भी कह लो, उसके उसकी स्पीकिंग स्किल्स देखेंगे, उसकी राइटिंग स्किल्स देखेंगे बच्चे की, ठीक है, बच्चा क्लास में कैसा है, मतलब हर एक चीज असेसमेंट आएगी, ठीक है। तो ये चीज है एक लर्निंग को अच्छे तरीके से क्या करती है, फोस्टर करती है, ठीक। तो अब देखो असेसमेंट क्वेश्चन समझो, ये वाला भी, असेसमेंट इज पर्पसफुल, एक असेसमेंट है ये पर्पसफुल है इफ, असेसमेंट इज पर्पसफुल इफ इट इंड्यूसेस फियर ठीक है, इट इंड्यूसेस फियर एंड स्ट्रेस। ऑप्शन आई थिंक ये ऑप्शन हमने पहले भी देखा है, ठीक। तो सेकंड ऑप्शन लिखा है यहां पे, इट सर्व एज अ फीडबैक, इट सर्व एज अ फीडबैक फॉर दी स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स, ठीक है। ये एक फीडबैक देती है, ये बच्चों को भी देती है टीचर्स को भी देती है, ठीक है, ये एज अ फीडबैक काम करती है। या फिर डन ओनली एट दी एंड, सिर्फ एंड पे हो तभी ये पर्पसफुल होती है, या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर, कंपैरेटिव पर इफ टू डिफरेंशिएट, हमें डिफरेंशिएट करना है, टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टूडेंट्स अचीवमेंट, ठीक है, समझ गए मेरी बात। ये है कि असेसमेंट पर्पसफुल कब रहेगी, मतलब कब एक असेसमेंट अच्छे तरीके से पर्पस उसमें है, अगर वो फियर को इंड्यूस करती है बच्चों में, फियर लेके आती है, जी नहीं, एट द एंड होगी, यही हमने पढ़ा है। असेसमेंट सिर्फ एंड में नहीं है, हमें टाइमली ड्यूरिंग ये असेसमेंट रहती है, डिफ्रेंशिएट करती है बच्चों की अचीवमेंट को, ये नहीं करना है कि है, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि ये एक फीडबैक, बहुत अच्छा ऑप्शन है, फीडबैक देती है किसको, स्टूडेंट को भी टीचर को भी। टीचर को फीडबैक देगी अगर उसके कुछ मेथड टेक्निक या टूल्स चेंज करने पड़ेंगे, उसको मेथड्स उसको चेंज करने पड़ेंगे तो बच्चे के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। बच्चे को भी फीडबैक मिलेगा कि उसमें क्या क्या उसको चेंजेस लाने हैं, तो ये एक फीडबैक का काम करती है क्या, असेसमेंट, ठीक। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ चुकी है, आई होप आपको ये समझ आया है कि असेसमेंट एक्चुअल में है क्या, ठीक। तो असेसमेंट क्या क्या प्रोसेस होती है ये आपने पहले समझना है, हाँ।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपको बहुत बड़ा आइडिया लग जाएगा कि ये FASA का क्या सिस्टम है। ठीक है, अच्छा देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सूटेबल, इट इज नॉट अ सूटेबल फॉर्मेटिव, ये सी समझो, फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क। इसमें से कौन सा FA, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, याद रहेगा, FA का टास्क नहीं है। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो ठीक नहीं है इसके लिए, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है, जो अलग अलग उसमें जा रहे हैं, डायरेक्शंस में जा रहे हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट्स, ठीक, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, रैंकिंग दी स्टूडेंट्स, क्या है इसमें से आपके अकॉर्डिंग जो FA का पार्ट नहीं है। ठीक, तो देखो, ओपन एंडेड क्वेश्चंस या प्रोजेक्ट या ये रैंकिंग, FA मैंने बताया था ये ड्यूरिंग होता है, FA ड्यूरिंग होता है, इसमें सब कुछ आएगा। इसमें बच्चे देखो हर एक चीज, जो बच्चा एक्टिविटी करेगा, बच्चा कुछ फील्ड ट्रिप्स में जा रहा है, बच्चा कुछ बोटानिकल गार्डन में जा रहा है, कुछ भी मैंने बताया, जैसे रीडिंग स्किल, बच्चे की राइटिंग, हर एक चीज मतलब आ जाएगी इसमें FA में। तो प्रोजेक्ट भी आएंगी, ऑब्जर्वेशन भी आएगी बच्चे के अंदर, ठीक, ओपन एंडेड क्वेश्चन सब कुछ आएंगे, सिर्फ एक रैंकिंग नहीं आएगी कि बच्चे को रैंक करना है। ठीक है, रैंकिंग वाला सिस्टम इसमें इसमें नहीं आता है, ये FA का पार्ट नहीं है। ये आपने याद रखना है कि रैंकिंग से रिलेटेड ये रैंकिंग में नहीं आता है। ठीक, तो रैंकिंग द स्टूडेंट, बच्चे को रैंकिंग, देखो रैंकिंग नहीं करना, वो एंड में होगा ना, बच्चे का अगर रैंकिंग जो भी है, बच्चा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसके ग्रेड, उसके मार्क्स के ऊपर, ठीक है। FA मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट देख रहा है, बच्चे का प्रोग्रेस देख रहा है, ठीक है। FA के अंदर आएगा कि बच्चा कैसे धीरे धीरे उसकी एक्टिविटीज हो रही है, सब कुछ, चाहे वो अकेडमिक्स को लेकर, चाहे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को लेकर। ठीक, तो ये था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो मैं आपको एक फिर टास्क देती हूँ, ठीक है, जो मैं हर वीडियो के एंड में देती हूँ आपको, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन देती हूँ, जो कि आपने सॉल्व करके क्या करना है, आपने देना है उसका आंसर। ठीक, चलो, आई होप आपको इतना ये टॉपिक क्लियर हो गया है। हम जब मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे तब हम ऐसे और ऐसे या असेसमेंट के बारे में भी उसमें डिटेल में देखेंगे, क्वेश्चनिंग और करेंगे। ठीक, तो पहले आपको कंसेप्ट अपना क्लियर करना है कि FASA क्या होता है, फॉर एज एंड ऑफ लर्निंग क्या है ये। ठीक है, चलो मैं आपको देती हूँ इसमें क्वेश्चन करने के लिए, ये है आपके लिए टास्क, सॉल्व करना है आपने इसको, विच ऑफ दी, ठीक है, विच ऑफ दी फॉलोइंग शुड, विच ऑफ दी फॉलोइंग शुड be the reasons for, क्या रीजन है असेसमेंट करने के लिए बच्चों की, ठीक है, ठीक, टू सेपरेट एंड लेबल चिल्ड्रन, क्या रीजन क्या है, मतलब असेसमेंट करने का रीजन क्या है, टू सेपरेट एंड लेबल चिल्ड्रन इनटू नॉन अचीवर्स, बच्चों को लेबल करना है नॉन अचीवर्स, लो अचीवर्स एंड हाई अचीवर्स, एवरेज एंड हाई अचीवर्स, ठीक, एवरेज या हाई अचीवर्स, ठीक है, बच्चे को लेबल करने के लिए हमें ये काम करना है, ठीक है, असेसमेंट जरूरी है, टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टू इम्प्रूव, असेसमेंट बहुत इजी टॉपिक है, बट इसको कॉम्प्लिकेट भी किया जा सकता है अगर इसके बारे में हम बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे, ठीक है।
तो उतना ही समझना है जो आपको आपके दिमाग में बैठ जाए कि असेसमेंट एक्चुअल में है क्या, कुछ नहीं है ये। हम एजुकेशन की अगर बात करें तो असेसमेंट का यही मतलब है कि बच्चे को हमने अच्छे से सेस करना है, बच्चे की प्रोग्रेस कैसी हो रही है, कुछ उसके एंड में देखना है कि जो एंड में जो हो रही है प्रोग्रेस वो मतलब एंड टर्म में देखनी है, कुछ जो ड्यूरिंग दी सेशन या ड्यूरिंग द टर्म हो रही है, बस ये चीज है इसमें। ठीक, तो टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग, टू इम्प्रूव करने के लिए टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम, ये पेपर 2 जुलाई 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस इन द क्लासरूम, ठीक है समझ गए। टू फाइंड आउट, ठीक, टू फाइंड आउट व्हाट चेंजेस एंड प्रोग्रेस, टू फाइंड आउट व्हाट चेंजेस एंड प्रोग्रेस इन लर्निंग। हम सीटेट में जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे ऊपर, उसी से रिलेटेड ही हमने टॉपिक बनाए हैं। स्टेट टेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस थोड़े से उनका लेवल अलग हो जाता है। ठीक है, ये हम जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ये सीटेट के ऊपर ही करते हैं, जितना असेसमेंट का सीटेट में पोर्शन आता है। ठीक, तो टू फाइंड आउट व्हाट चेंजेस एंड प्रोग्रेस इन लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन द चाइल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इन द चाइल्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये है, या फिर टू डिस्कस डिस्कस करना है हमने द एबिलिटीज या कैपेबिलिटीज, ठीक, टू डिस्कस द कैपेबिलिटीज पोटेंशियल्स पोटेंशियल्स स्ट्रेंथ। अब आपको भी पता है कि इंटेलिजेंस सिर्फ आईक्यू से रिलेटेड नहीं है, जो बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंस है इंटेलिजेंट है वो ही एक इंटेलिजेंट बच्चा नहीं है, बहुत कुछ आएगा इसमें, क्रिएटिविटी आएगी बच्चे की, गिफ्टेड बच्चे अलग अलग टाइप में बच्चे होते हैं। तो एक पढ़ाई को मतलब या ग्रेडिंग से हम असेसमेंट को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो, टू डिस्कस कैपेबिलिटी पोटेंशियल स्ट्रेंथ चैलेंजिंग एरियाज, मतलब जो बच्चे जिसमें थोड़ा बच्चे की जो कमी कह लो आप, ठीक है, चैलेंजिंग एरियाज जिसमें बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, चैलेंजिंग एरियाज ऑफ द चाइल्ड विद द पेरेंट्स, ऑब्वियसली मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, बच्चे के पेरेंट्स के साथ टाइमली मीटिंग्स भी होती हैं, ठीक है, टाइमली क्या होती है, मीटिंग्स भी होती हैं, क्योंकि पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना होता है कि भाई बच्चा आपका किस अकॉर्डिंग जा रहा है, उसको क्या क्या इम्प्रूवमेंट है, और उनके बिहाफ में जो हेल्प चाहिए बच्चे को वो पेरेंट्स से भी मतलब वो क्या करते हैं कि आप पेरेंट्स भी उसको बच्चे को कॉपरेट करो, या जो उनके साइड से जो कुछ हो सकता है वो पेरेंट्स के लिए, वो टीचर, तो आपस में टीचर और पेरेंट और टीचर्स का क्या होता है इंटरेक्शन होता है, जिसमें क्या करते हैं डिस्कस करते हैं कैपेबिलिटीज पोटेंशियल स्ट्रेंथ चैलेंजिंग एरियाज बच्चे के। ठीक ठीक है, अब देखो ऑप्शंस देखने, ऑप्शन मैं बस यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं ऑप्शन यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, ऑप्शंस के। ठीक है, पहले मैं बोल देती हूँ यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक, बी सी डी, ठीक है, या फिर ए बी सी, ठीक है, ये है इसका, इसके ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपने इसमें से सही ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से सही ऑप्शन आपने बताना है क्या है। ठीक, तो क्वेश्चन मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीजन फॉर असेसमेंट फॉर चिल्ड्रन, बच्चे की असेसमेंट के लिए क्या रीजन होते हैं, क्यों हमें क्लासरूम में या फिर बच्चे की एजुकेशन में या फिर उसकी असेसमेंट करनी है। पहला है बच्चे को सेपरेट करना है और थोड़ा लेबलिंग करनी है उसकी, चिल्ड्रन को किस में लेबलिंग करनी है, हम नॉन अचीवर्स को जो कुछ अचीव नहीं कर पाते, अचीवर्स को जो अचीव कर रहे हैं, जो हाई अचीवर्स बहुत हाई अचीव कर रहे हैं, जो एवरेज है, हम इसमें लेबलिंग करनी है बच्चों की ये काम के लिए। हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना है इस चीज के लिए, हमें वी नीड टू फाइंड आउट वॉट चेंजेस एंड प्रोग्रेस इन लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ चाइल्ड, मतलब क्या चेंजेस बच्चे में आने चाहिए जब उसका टाइम जो चला हुआ है, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। ठीक,
तो लास्ट इज टू डिस्कस द कैपेबिलिटीज पोटेंशियल स्ट्रेंथ चैलेंजिंग एरिया, मतलब बच्चे की जो कमियां हैं वही कहा मैंने, पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट, बच्चा जितना कर पा रहा है, जो नहीं कर पा रहा है, जहां उसको प्रॉब्लम आ रही है। अब जैसे आपको भी पता है ये इंक्लूसिव एजुकेशन है, कुछ बच्चे हैं स्पेशल चाइल्ड हैं, कईयों को लर्निंग डिसेबिलिटीज है, सब कुछ है। अब हम यहाँ पे एक नॉर्मल बच्चे को मान के नहीं चलेंगे, बट सब एक बच्चा, हर एक बच्चा उस क्लासरूम में, तो उस बच्चे के कुछ चैलेंजिंग एरियाज भी है, कुछ प्रॉब्लम्स भी है। अगर कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें पेरेंट्स के साथ भी तो इंटरेक्ट करना है। अगर बच्चा कुछ समझ नहीं रहा क्लास में, हम उसके बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट देख रहे हैं, बच्चा क्लास में रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, मान लो टीचर क्वेश्चन कर रहा है, तो हम असेस कर सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चनिंग से हम बच्चों का पता कर सकते हैं। तो वो चीज़ है कि हम, मतलब कि हम वो चीज़ें हम टीचर्स क्या करते हैं, पेरेंट्स के साथ हम डिस्कस करते हैं कि इस बच्चे को कहाँ पे, बच्चे की कहाँ पे, मतलब इसको काम करने की जरूरत है, या फिर कौन सा एरिया इसका बच्चे का ठीक चला हुआ है। तो ये है, तो ये चार ऑप्शंस हैं आपने बताने हैं। जैसे ये यहाँ पे मैंने ऑप्शंस लिखे हुए हैं कि कौन सा इसमें से सही ऑप्शन है। अगर आपको लगता है ए बी सी है, या बी सी डी है, या सी डी, या ए बी सी डी ऑल, तो आप लोग उस अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ चुकी है, ये लेक्चर आपको समझ आ चुका है कि असेसमेंट क्या होती है। असेसमेंट बहुत ही जरूरी है क्लासरूम में, क्योंकि एंड एट द एंड यही चीज़ निकलती है कि असेसमेंट से करेंगे हम, असेसमेंट से ही पता लगा सकते हैं उस बच्चे की प्रोग्रेस कितनी हो रही है, बच्चे की लर्निंग कैसे हो रही है, हो भी रही है कि नहीं हो रही है, ठीक। तो ये चीज आपने समझनी है। आप, आई होप आपको फॉर्मेटिव समझ आ गया, एफ ए क्या होती है, एस ए क्या होती है। फॉर्मेटिव जो होती है हम ड्यूरिंग करते हैं, मतलब ड्यूरिंग द टर्म होती है, हम टाइमली बच्चे को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, समझते हैं जो कमियां हैं वो पूरी करने की कोशिश करते हैं, मोटिवेट करते हैं उसको, ठीक है, उसको हर तरह से हम उसको हेल्प करते हैं, इसका फोल्डिंग करते हैं, ठीक। और ऐसे होता जो एट द एंड होता है, जो जिसमें ग्रेडिंग स्कोरिंग सब बच्चे को मिला के वो चीज़ें हम उसकी असेस करते हैं, ठीक। तो ये दो चीज़ें थी, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है। इनकेस इसमें कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।